हेलो बच्चों, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी एक नई कहानी जिसका नाम है ईमानदार बालक। इस कहानी को लिखा है विष्णु प्रभाकर। तो चलिए पहले हम लोग विष्णु प्रभाकर कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सब हम देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 21 जून 1912 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, और ये एक साहित्यकार थे और उन्होंने कई सारी हिंदी कहानियाँ या जीवनी ये सब लिखी थी। उनमें से उनका मशहूर जीवनी था आवारा मसीहा, ये सबसे ज्यादा चर्चित रही है, और उनको कई देश विदेशी पुरस्कार भी मिले थे। इनका देहांत हुआ था अप्रैल 2009 को। तो देखिए, इनके ये एक नाटक लिखते थे और उनके कई नाटक था, उनमें से है डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक, इंसान और इसी तरह से अन्य कई बहुत सारे आप यहाँ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। पहला दृश्य मीन्स फर्स्ट सीन, यह एक बाजार का सीन है। यू कैन सी अ स्मॉल बॉय हियर सेलिंग समथिंग। ओके, तो ये क्या है, स्थान है बाजार। बसंत फटे कपड़े पहने थैले में सामान लेकर बेच रहा है। सो दिस इज बसंत, वो क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। अब ये दिया सलाई क्या है, दिया सलाई इज मैच स्टिक। इतने में उनकी नजर मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर पर पड़ती है। साहब बटन ले लीजिए, देसी बटन साहब, दिया सलाई ले लीजिए। राजकिशोर, नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजकिशोर यह है जो एक क्या है, वो मजदूरों का नेता है। बसंत रुआसा होकर, रुआसा होकर मतलब इज अबाउट टू क्राई, बहुत सैड होकर, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। तो ये बसंत सोचते हैं कि इस छोटे लड़के को पैसों की जरूरत है, सो वो अपने पॉकेट से पैसे निकालते हैं और देते हैं। बसंत, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छन्नी ले लीजिए। बसंत एक ईमानदार लड़का है, इसीलिए वो बोलता है कि उसे भीख में पैसे नहीं चाहिए, उसके बदले वो उनको छन्नी यानी कि यह दैट इज अ स्टेनर, ओके, चाय बना छानते हैं जिससे, उसी कहते हैं छन्नी, उसे वो छन्नी दे देते हैं। राजकिशोर, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं है, खुले मतलब एक्सचेंज, चेंज पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। तो इनका घर कहाँ है, वो है किशनगंज में, तो बोलते हैं कि यू कम टू किशनगंज, आई विल टेक इट बिकॉज आई डोंट हैव चेंज नाउ। बसंत, लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, मतलब मैं बाजार से इसके एक्सचेंज करके लेके आता हूँ। नोट लेकर आप यहीं ठहरे, मैं अभी आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं, तभी उनका एक परिचित मतलब नोन पर्सन राजकुमार उन्हें देखकर ठहर जाता, कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे। राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। तो राजकिशोर उनको बताते हैं कि वो वहाँ क्यों खड़े हैं, कि एक लड़का उनसे पैसे लेकर गया है और वो चेंज करने गया, 15-20 मिनट हो चुका है और अभी तक वो नहीं आया। कृष्ण कुमार, तो बस अब नहीं आएगा।
बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर मतलब विनती कर अपनी मजबूरी दिखाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक है। तो कृष्ण कुमार बोलते हैं कि डजंट मैटर मच, क्योंकि आप क्या है, मजदूरों का सेवक है, उनके नेता है। राजकिशोर, पर भाई वो लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे कि एक रुपए देकर एक नया सबक सीखा। तो राजकिशोर जी बोलते हैं कि नेवर माइंड, हमको लगेगा कि मैंने एक रुपए देकर एक नई सीख, यानी कि दूसरों पर विश्वास न करना, यह सीख लिया। नाउ दिस इज द सेकंड सीन, दैट इज दृश्य, दूसरा दृश्य, और वो है जगह किशनगंज। स्थान है किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप पंडित राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। तो यह कौन है, यह बसंत नहीं है, बसंत का भाई प्रताप है। और वो पहुंच गया है किशनगंज और वहां जाकर वो पंडित राजकिशोर का घर ढूंढता है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति कौन, वे जो मजदूरों के नेता है, वे इस नीले दरवाजे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारते हैं। राजकिशोर बाहर आते हैं। तो यह नीला दरवाजा वाला घर किसका है, वो है राजकिशोर का घर। तो यह लड़का वहां पहुंच जाता है और राजकिशोर को पुकारने लगते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गया, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर टूट गया, वह बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। तो बसंत क्या था, बेहोश हो गया था। उतने देर में जब उसे होश आया तो सबसे पहले उसे क्या याद आया कि राजकिशोर जी का पैसा लौटाना है। और फिर वो अपने भाई को 80 पैसे लौटाने के लिए राजकिशोर जी के घर भेजता है। सो यू कैन फ्रॉम दैट यू कैन सी हाउ ऑनेस्ट दैट बॉय इज, इजंट इट, कितने ईमानदार लड़का था। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहिर के घर में रहते हैं। तो भीखू अहिर कोई आदमी है जिनके घर में ये दोनों भाई रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला और रो पड़ता है, मतलब दंगों मतलब दो धर्मों के बीच में राइट्स कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लड़ाई झगड़ा होता है उसे कहते हैं दंगा। ओके, उसी में उनके दोनों माँ बाप मारे गए थे। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां जल्दी जाओ, भीखू अहिर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलता है। तो राजकिशोर अपने किसी एक आदमी को पुकारता है और कहता है कि वो डॉक्टर को लेकर भीखू का घर ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाए और डॉक्टर को लेकर आए। एंड नाउ दिस इज द थर्ड सीन, कहाँ है, भीखू का घर है और वहां क्या है, जमीन पर बसंत पड़ा हुआ है और वो दर्द से रो रहा है, भीखू उसे डांट रहा है। दो आदमी जो जिसके घर में रहता था वो है भीखू, वो भीखू उसे डांट रहा है। भीखू, बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा, अस्पताल चला जाता वहां आराम मिलता। बसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीखू, मैं पहुंचा दूं है, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। तो वो डांटते हुए बोलता है कि क्या तुमने मुझे इतना ज्यादा पैसा दे रखा था जो मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूं? तभी कौन आता है, प्रताप और किशोर वहां प्रवेश करते हैं।
प्रताप, यह रहा साहब। वसंत, आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। तो बसंत उसको राजकुमार को देखते साथ ही बोलते हैं कि आप आए हैं, तो उससे बोलते हैं कि आप क्या सोचते होंगे कि मैंने आपका एक रुपए लेकर मैं आपका एक रुपए लेकर चला गया। राजकिशोर, चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। अमर सिंह और डॉक्टर उसी समय वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर, नमस्कार पंडित जी। तो यह लड़का है, बसंत को देखकर और बसंत को वो जांचते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। तो डॉक्टर उसको चेक करने के बाद बोलते हैं कि उसकी एक पैर की हड्डी टूट गई है, सो ही हैज टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे बचाना ही होगा। ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, वह ईमानदार है। दुर्लभ मतलब जो आसानी से नहीं मिलता है। तो राजकुमार जी बोलते हैं कि हर हालत में वी हैव टू सेव दिस बॉय बिकॉज ही हैज गॉट अ यूनिक कैरेक्टर। वो है क्या? ईमानदारी, ऑनेस्टी। ओके, राजकिशोर जाते हैं, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप भाई का हाथ थामता है और पर्दा गिर जाता है। लाइक दैट मीन्स वहीं पे यह कहानी नाटक खत्म हो जाती है। और तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिला? लड़का गरीब था लेकिन फिर भी वो क्या था? ईमानदार था। और ईमानदार लोग हमें आसानी से नहीं मिलते, इसीलिए वो राजकिशोर जी भीकू को, बसंत को हर हालत में बचाना चाहते हैं। तो विद दैट वी एंड द स्टोरी। बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें एंड बी सेफ। हैव अ ग्रेट डे।